बिल्कुल नहीं दूंगा। राधिका को अपने पैसों के हिस्से का कैसे खर्च करना है ये उसका फैसला है। मैं अपने हिस्से के पैसों का अपनी मर्जी से खर्च करूंगा। वाह काका वाह, आप तो ठाकर निकले, बीवी को मुंह पे मना कर देंगे। काका मेरी तो यम के सामने बोलती बंद हो जाती है। बेटो यू नो मेरी भी राधिका के सामने कहाँ कुछ बोल पाता हूँ, ये तो मैं अपनी मन की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, वरना ज्यादातर मन की बातें मन के अंदर ही रह जाती है 90%। भाई तिवारी तुम क्यों हंसे? साहब आप लोग हंस रहे हैं तो मैं कैसे रो सकता हूँ साहब। वैसे से रिपोर्ट करने आया था साहब, पूरे पौधों की गुड़ाई कर दी और पानी भी दे दिया साहब। वेरी गुड तिवारी, आज तुमने जो माली का एक्स्ट्रा काम किया है जी, उसके लिए मैं तुम्हें सोसाइटी फंड से एक्स्ट्रा पगार भी दूंगा ओवर टाइम के साथ। नहीं चाहिए साहब। ये साहब जिस सोसाइटी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे पार्टनर बनाया, उस सोसाइटी से छोटे मोटे कामों के पैसे मैं कैसे दे सकता हूँ साहब? साहब ये पौधों की सेवा जो मैंने की है ना वो अपने मन से की है, पैसों के लालच में नहीं किया साहब। बहुत ही वरी बाबा, वाह आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू साहब। अच्छा तिवारी बाबा, ये जो शेयर मार्केट के पैसे आपको मिलेंगे तो आप उसका क्या करेंगे? साहब मैं अपने बेटे को सरप्राइज दूंगा। क्या? एक स्मार्टफोन खरीद के उसे गिफ्ट करूंगा साहब। वेरी गुड वेरी गुड। वाह तिवारी वाह। काका मैं तो अपनी यम और किट्टू के साथ एक छोटी सी खंडाला ट्रिप करूंगा। बारिश में जब मैं अपनी यम को देखता हूँ ना तो वो बिल्कुल मुझे यम दिखती है। जान लेवा काका, आपने मेरा और तिवारी का तो प्लान जान लिया, आप तो बताइए आप क्या करेंगे उन पैसों का? मैं अपने मन की बात तो नहीं बताऊंगा। तो ये शेयर मार्केट में आप लोग पैसा कमाओगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई नो तो फिर हमको गारंटी चाहिए भी नहीं है ना? राजेश सर हम अपने रिस्क पर और साई दर्शन वालों के लक पर पैसा लगाने के लिए तैयार है, बोलो ना। सर हम आपको ऑफिस में फॉलो करते हैं ना, वैसे ही शेयर बाजार में फॉलो करेंगे सर। करेक्ट। ये चंदू शेयर बाजार का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है ना? लेकिन हर्षद भाई को तो है ना। हर्षद भाई तो शेयर मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं, हम उन्हीं के तजुर्बे पे अपना दांव लगा देंगे। सर प्लीज मांग लीजिए। सर प्लीज सर प्लीज। अरे हम सर बस एक मिनट एक मिनट मरो। आप लोग इतना जिद कर रहे हो तो मैं आप लोगों का प्रस्ताव बाकी पार्टनर्स के सामने रखता हूँ। ठीक है चलेगा, लेकिन याद रखना मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स ने हाँ बोला तो आप तीनों को एंट्री मिलेगी। हाँ ठीक है ना, चलेगा चलेगा। ओहो ये देखो राजेश भाई ने तो धर्म संकट में डाल दिया। क्या हुआ? मैसेज देखो ग्रुप पर। हमारे लक को और भी मजबूत करने के लिए चंदू मारफतिया जी और दसानी हमारे 13वां 14वां और 15वां पार्टनर बनना चाहते हैं। आप सभी यस या नो में अपना अपना वोट दीजिए। मैं क्या कहती हूँ कि बहुत मुश्किल से हमें 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और ऑलरेडी हम एक दर्जन पार्टनर तो है ना, अब इसमें और भीड़ बढ़ाएंगे ना तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए मैं नो में वोट कर रही हूँ। नहीं सही है ज्योति भाभी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यस में वोट दूंगी। क्या है कि ये डील शुरू से किसी एक की तो थी नहीं ना, सारे पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट था तो सबका इक्वल राइट है। हाँ हम टीम है ना। बिल्कुल सही कहा बंधु, जैसे देखना मंदिर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते ना, वैसे मैं भी ना किसी को रोक नहीं सकती पार्टनर होने के लिए। क्या हो रहा है? हंस क्यों रहे? बोलो कुछ बोलो। एक बात बताओ मिस्टर राजेश वागले, अगर ट्रैफिक पुलिस खुद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने लग जाए तो, अगर डॉक्टर खुद अपनी दवाई खाकर बीमार पड़ने लगे तो, अगर पुलिस खुद चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो। एक मिनट एक मिनट, पहले क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहते हो। साफ बात यह है,
कि तुम अकेले इंसान थे जो पहले से कह रहे थे कि शेयर मार्केट मतलब रिस्क मार्केट। हाँ। तो अगर तुम्हें लगता था कि ये रिस्क मार्केट है तो फिर इस रिस्क के दलदल में एक एक करके नए नए पार्टनर्स क्यों इनवाइट कर रहे थे? एक मिनट, मैंने कहा किसको इनवाइट किया? हाँ? राजेश, मैं तो इनफैक्ट सबको रोक ही रहा था ना, मैंने सबको मना किया था लेकिन उन्होंने जिद की। तुमने उनकी जिद पूरी की? सबसे पहले तिवारी और आशा को इस ग्रुप में एंट्री दिलवाई, उसके बाद में चंदू, दासानी और मार्फतिया को तुम्हारी वजह से इस ग्रुप में एंट्री मिली। देखो देखो कैसे ढक्की चिक्की कर रहे थे वो, देखो। सो टेक्निकली स्पीकिंग यू आर द वन हुज इनवाइटेड दीस फाइव पीपल। एक ये कैसा लॉजिक हुआ? क्या लॉजिक हुआ? सोच के देखो राजेश बाबू, भगवान ना करे लेकिन अगर कल को कोई लॉस हो गया तो ये लोग सबसे पहले तुम पर उंगली उठाएंगे और तुम हमारी कॉलर पकड़ेंगे। अंतरमन ने जो बात बोली ना वो बिल्कुल सही है, अगर लॉस हुआ तो सब मुझे दोषी ठहराएंगे, होने वाला है। ऐसे क्रॉस क्रॉस, दो कदम बस, सीधा हर्षद, बस आ गए, पहुंच गए। क्या सरप्राइज? देखिए तक क्या नहीं हटा नहीं। गिवर? अरे क्या बात है ज्योति, हमारा फेवरेट गिवर। दिल खुश कर दिया तूने बावरी, इसी बात पे मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले जा। वैसे क्या भाव चल रहा है? सीरियस हो गई तू तो? प्रॉपर्टी का भाव पूछ रही है बावरी? नहीं नहीं हर्षद, मैं शेयर्स का भाव पूछ रही हूँ। क्या भाव हुआ शेयर का? घड़ी घड़ी पूछेगी तो भाव बढ़ेगा नहीं, अब भी तो पूछा था तूने। सॉरी सॉरी अर्षद, वो क्या है पहली कमाई है ना तो ऐसे मन उतावला हुआ जा रहा है। तेरे मन को कंट्रोल में कर और अगर अभी तेरी परमिशन हो तो मैं घेवर। हाँ अर्षद। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे और घेवर के बीच में डिस्टर्बेंस जरा भी पसंद नहीं है। सॉरी सॉरी, अभी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, आप घेवर पे कॉन्सर्ट कीजिए। कॉन्सर्ट ही कर। घेवर आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। एक मिनट अर्षद, तिवारी जी का फोन आ रहा है, बात कर लीजिए ना, फिर इत्मीनान से खाइएगा घेवर। तिवारी? हाँ बोल तिवारी। हाँ अर्षद साहब, मैं पूछ रहा था कि अपने शेयर का भाव कितना हुआ है। तिवारी अभी आधे घंटे पहले तूने मुझसे पूछा ना, अभी भी 51 ही चल रहा है, 51 ही चल रहा है, बढ़ेगा नहीं आधे घंटे में। हाँ साहब बताया था, और मैंने सोचा आधे घंटे में शायद भाव और बढ़ गया हो। अरे तिवारी भाव तो नहीं बढ़ा है लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ रहा है। सॉरी सॉरी साहब, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं आपकी गाड़ी धो देता हूँ, हो सकता है तब तक भाव और बढ़ जाए। ए तिवारी तेरी को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।